नमस्कार, जय श्री राम। मैं दीपेंद्र तिवारी, ज्योतिषाचार्य, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे राशियों के स्वभाव के बारे में और राशियों के लिंग के बारे में और ग्रहों की दृष्टि के बारे में। जैसा कि मित्रों आप जानते हैं, ज्योतिष शास्त्र में 12 राशियाँ बताई गई हैं, जैसे मेष से लेकर मीन तक, वो आप जानते ही हैं, हमने पिछली वीडियो में बताया है। अब 6 राशियाँ क्रूर स्वभाव की होती हैं और 6 राशियाँ सौम्य स्वभाव की होती हैं, और 6 ही राशियाँ स्त्रीलिंग की होती हैं, 6 राशियाँ पुरुष लिंग की होती हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले पुरुष लिंग की राशियाँ। जो विषम राशियाँ होती हैं वह पुरुष लिंग की राशियाँ होती हैं, और जो सम राशियाँ होती हैं वह स्त्रीलिंग की राशियाँ होती हैं। इसी प्रकार जो क्रूर स्वभाव की राशियाँ होती हैं वह विषम राशियाँ होती हैं, और जो सौम्य स्वभाव की राशियाँ होती हैं वह सम राशियाँ होती हैं। यह आप हमेशा याद रखें। अब सम राशियाँ कौन सी होती हैं? वृष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर, मीन। और विषम राशियां कौन सी होती हैं? मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ। यह विषम राशियां। तो सम और विषम के आधार पर स्त्रीलिंग का ज्ञान की जानकारी की जाती है, कौन सी राशि स्त्रीलिंग की होती है, कौन सी राशि पुरुष लिंग की होती है, और इसी के आधार पर क्रूर स्वभाव और सौम्य स्वभाव की पता लगाया जाता है कि कौन सी राशि सौम्य स्वभाव की है, कौन सी राशि क्रूर स्वभाव की होती है। सम विषम के आधार पर होता है। एक बार और जान लें, जो सौम्य स्वभाव की राशियाँ होगी वह सम राशि होगी, जो क्रूर स्वभाव की राशि होगी वह विषम राशि होगी, जो स्त्रीलिंग की राशि होगी वह सम राशि होगी, और जो पुरुष लिंग की राशि होगी वह विषम राशि होगी। यह आप हमेशा ध्यान रखें। अब बात करते हैं हम ग्रह की दृष्टियों के बारे में। तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की दृष्टि के बारे में विशेष महत्व बताया गया है। जैसे नवग्रहों में हर ग्रह को अलग अलग दृष्टियाँ प्राप्त हैं। जो ग्रह जहाँ बैठेगा वह अपने स्थान से सातवें स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखेगा, यानी हर ग्रह को सातवें दृष्टि प्राप्त है। इसी के आधार पर हम ज्योतिष शास्त्र में फलादेश का ज्ञान करते हैं कि कौन सा ग्रह किसको देख रहा है। लेकिन कहते हैं शनि, राहु, केतु, मंगल और गुरु को विशेष दृष्टियाँ प्राप्त हैं। तो हम आपको बताते हैं कौन सा ग्रह किस दृष्टि से देखता है। तो मित्रों, सूर्य जिस स्थान पर बैठेगा उस स्थान से सातवें स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखता है, यानी सूर्य की सातवीं दृष्टि होती है। चंद्र की एक ही दृष्टि होती है, केवल सातवीं। तो चंद्रमा जहाँ बैठेगा उससे सातवें स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखेगा। मंगल के पास तीन दृष्टियाँ हैं, तो मंगल जिस स्थान पर बैठेगा उस स्थान से सातवें स्थान को और चौथे स्थान को और आठवें स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखता है। मंगल के पास तीन दृष्टियाँ होती हैं, सातवीं, चौथी और आठवीं। और बुध के पास एक ही दृष्टि होती है, केवल सातवीं। तो बुध जिस स्थान पर बैठेगा उस स्थान से सातवें स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखेगा। इसी प्रकार गुरु गुरु के पास तीन दृष्टियाँ होती हैं, सातवें दृष्टि, पाँचवीं दृष्टि और नौवें दृष्टि। तो गुरु जिस स्थान पर बैठेगा उस स्थान से सातवें स्थान को, पांचवें स्थान को और नवम स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखेगा। इसके बाद के बात करते हैं शुक्र के बारे में। शुक्र के पास एक ही दृष्टि होती है, केवल सातवीं। शुक्र जिस स्थान पर बैठेगा उस स्थान से सातवें स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखेगा। अब बात करते हैं शनि। तो शनि के पास तीन दृष्टियां हैं, सातवीं दृष्टि, तीसरी दृष्टि और दसवीं दृष्टि। तो
तो शनि जिस स्थान पर बैठेगा उस स्थान से सातवें स्थान को और तीसरे स्थान को और दसवें स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखेगा। अब बात करते हैं राहु और केतु के बारे में। राहु केतु के बारे में कहा गया है कि राहु केतु गुरु को गुरु की दृष्टि को ही अपनी दृष्टि मानता है। तो राहु जिस स्थान पर बैठेगा उस स्थान से सातवें स्थान को, पांचवें स्थान को और नौवें स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखता है। और केतु भी गुरु की दृष्टि को ही अपनी दृष्टि मानता है। तो गुरु भी जिस स्थान पर बैठता है उस स्थान से सातवें स्थान को, पांचवें स्थान को और नौवें स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखता है। तो मित्रों एक बात हमेशा ध्यान रखें कि जो ग्रह जहाँ बैठेगा उस स्थान से हर ग्रह सातवें स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखता है, हर ग्रह। लेकिन गुरु, शनि, मंगल, राहु, केतु इनको विशेष दृष्टियाँ प्राप्त हैं। एक बार और हम आपको बता दें, गुरु के पास तीन दृष्टियाँ हैं, सातवीं दृष्टि, पांचवीं दृष्टि और नौवीं दृष्टि। और शनि के पास भी तीन दृष्टियाँ हैं, सातवीं दृष्टि, तीसरी दृष्टि और दसवीं दृष्टि। और मंगल के पास भी तीन दृष्टियाँ हैं, सातवीं दृष्टि, चौथी दृष्टि और आठवीं दृष्टि। और केतु के पास भी पाँच दृष्टियाँ हैं, तीन दृष्टियाँ हैं, सातवीं दृष्टि, पांचवीं दृष्टि और नवम दृष्टि। और राहु के पास भी तीन ही दृष्टि हैं, सातवीं, पांचवीं और नौवीं। तो मित्रों यह है नवग्रहों की दृष्टि। तो ज्योतिष शास्त्र में नवग्रहों की दृष्टियों का विशेष महत्व बताया गया है। अगर जो भी हमारे ज्योतिष के नए छात्र हैं वह इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि जो ग्रह जहाँ बैठता है उससे अपने हिसाब से ग्रह दृष्टि देता है। जिसकी जो दृष्टि होगी वो उसी दृष्टि से देखेगा। हम एक उदाहरण के माध्यम से आपको बताएं। मान लीजिए कोई ग्रह मेष राशि पर बैठा है, मान लीजिए मंगल स्वराशि का बैठा है, तो मंगल और त्रिकोण में बैठा हो तो वह अच्छा फल देगा। तो जो ग्रह जहाँ बैठेगा अच्छी स्थिति में बैठेगा तो उसकी दृष्टि भी अच्छी मानी जाएगी। तो जो ग्रह जहाँ देखेगा उस स्थान को बल दे देगा और स्थान को सफल प्रदान कर देगा। अगर कोई ग्रह अशुभ बैठा हो, नीच बैठा हो तो उसकी दृष्टियाँ भी नीच होगी। तो जहाँ जहाँ देखेगा उस स्थान को वो खराब करेगा। तो इसलिए दृष्टियों का बड़ा महत्व होता है। मान लीजिए कोई ग्रह नीच का बैठा हो और उस ग्रह पर उस जिस राशि पर जो ग्रह नीच का बैठा है उसी ग्रह राशि को उसका स्वामी देख ले उसी ग्रह को, तो उसका नीच भंग हो जाएगा। तो कहते हैं कि दृष्टि का बड़ा ही महत्व होता है। तो अगर हम दृष्टि को याद नहीं रख करेंगे तो हम फलादेश नहीं कर पाएंगे। तो जो भी हमारे ज्योतिष के नए छात्र हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को दबा दें और वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। हम आगे अगली वीडियो में आपको एक ज्योतिष की नई जानकारी के साथ मिलेंगे। हम कोशिश करेंगे कि आपको वीडियो के माध्यम से ज्योतिष शास्त्र की नई नई जानकारी दें। जो भी ज्योतिष के जिज्ञासु हैं और जो चीज़ ज्योतिष सीख रहे हैं उनके लिए हमारा यूट्यूब चैनल बहुत ही लाभकारी हो सकता है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो भी हमारे वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नया विषय लेकर। तब तक के लिए जय श्री राम।